बैठो 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 जमाने से मनवाएंगे بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ارتباط کے شہریوں ہزارہ کے رہنے والے پاکستانیوں میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے لیے جلسے کے لیے زبردست موسم بنا دیا بادل آ گئے ہیں گرمی نہیں اللہ کا کرم ہے میں سب سے پہلے آج ہمارے کشمیر کے لوگ جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جو ظلم کے سامنے کھڑے ہیں وہ کشمیر کے لوگ جو 26 سال سے ہندوستان کی فوج کا ظلم سہ رہے اور اس کے باوجود ان کا جذبہ ان کا آزادی کے لیے جو قربانی دینے کا جذبہ آج ہم سب ان کو سلام پیش کریں ابتواد کے لوگوں ہاتھ کھڑا کر کے تالیاں بجاؤ ان کے جذبے کے مجھے خاص طور پہ جو خوشی ہوئی کہ کشمیر کے سکول کی بچیاں وہ بھی ہندوستان کی فوج کے سامنے کھڑی ہیں وہ بھی آزادی مانگ رہی ہے تو ایک چیز یاد رکھنا جب ایک قوم اس کو شعور آ جاتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ غلامی کیا ہے آزادی کیا ہے کبھی بھی اس قوم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا اسی طرح میرے ہزارہ کے لوگوں جب ایک قوم کے نوجوانوں کو ان کے گھر میں رہنے والی ماں اور بہنوں کو جب اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ حکمران کرپشن کر رہے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کرپشن کیا ہے پھر سب سے بڑی طاقت کرپشن کو روکنے کے لیے اس ملک کی عوام ہوتی ہے ساؤتھ کوریا کی عوام نکلی جب ان کے پریزیڈنٹ کرپشن میں ملوث تھی تو ان کی عوام سڑکوں پہ نکلی آج اگر وہ ان کی پریزیڈنٹ جیل میں گئی ہے تو اس کی عوام کی وجہ ہے اسی طرح آئس لینڈ جب ان کے پرائم منسٹر کی بیوی اس کی کرپشن پتا چلی پینما کے اندر تو عوام سڑکوں پہ آئی کوئی سیاسی جماعت عوام کو سڑکوں پہ نہیں لے کے آئی ایک باشعور عوام سڑکوں پہ آئی اور ان کے پرائم منسٹر کو ریزائن کروایا اور یہی برازیل میں ہوا یہی مالٹا کے اندر ہوا کہ عوام ایک جاگی ہوئی عوام اپنے پیسے کی خود حفاظت کرتی ہے تو ایبٹاباد کے نوجوانوں یہ ذرا غور سے سنیں کرپشن آپ کو بے روزگار رکھ رہی ہے کرپشن کی وجہ سے آپ کو وہ تعلیم نہیں مل رہی آپ کو وہ تعلیم نہیں مل رہی جس سے آپ کو نوکریاں ملیں جس سے آپ اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں آپ خوشحال ہو کرپشن کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی جب سرمایہ کاری نہیں آتی روزگار نہیں ملتا اور کرپشن کا میں صرف ایک آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کرپشن کس طرح تباہ کر رہی ہے جب 2013 کا الیکشن ہوا
आते साथ ही नवाज शरीफ की हुकूमत ने जो बिजली बनाने वाले इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स थे उनको 480 अरब रुपया दिया। अभी सेनेट की फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट निकली है कि उस 480 अरब में 62 अरब रुपए का घपला था। 62 अरब रुपए का घपला 480 अरब में से था और मजीद 120 अरब में भी शक है। तो अब जरा थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा गौर करें कि सारे पख्तूनख्वा का डेवलपमेंट बजट साल का 110 अरब है, यानी सारे पख्तूनख्वा का डेवलपमेंट बजट 110 अरब है और एक ही खांचे में इन्होंने 62 अरब रुपया चोरी किया आपका पैसा। ये जो 62 अरब है ये तालीम पे लग सकता था, ये अस्पताल ठीक करने पे लग सकता था, ये जो नेशनल हाईवे अभी तक सड़क नहीं बना सका ये उस सड़क पे लग सकता था, ये ट्रैफिक के मसले हल करने पे लग सकता था, ये बिजली बनाने पे लग सकता था। तो जो आपके मसले हैं आज लोड शेडिंग, आपके मसले हैं कि आला तालीम नहीं मिलती, आपके मसले हैं सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का, आप सब की जड़ पे चले जाएं तो नीचे करप्शन है। जब तक पाकिस्तानियों, जब तक हम ये करप्शन, ये ऊपर हुक्मरानों की करप्शन, इनका इत्तेसाब नहीं कर सकेंगे, जब तक हम इनको जेलों में नहीं डाल सकेंगे, जब तक करप्शन ऊपर से खत्म नहीं होगी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और मैं आज आपके पास आया इसलिए हूं कि हमारा जो वजीर आजम है रंगे हाथ पकड़ा गया है, पकड़ा गया है। जो सबको पता था सालों से कि इसने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गया है, इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो साबित हो गई पैनामा के इंकशाफ में। जब पकड़ा गया हमने सड़कों पे निकल के जदोजहद करके आखिर में इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके आए और सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज सामने आई, क्या चीज सामने आई, सुप्रीम कोर्ट में कतरी का खत सामने आया। मैं फिर से कहता हूं कि नकल करने में भी अकल चाहिए, यानी अगर आपने कोई, हम समझते थे कि जी बड़ा तजर्बाकार है नवाज शरीफ, डाका मारा था तो कम से कम कोई इसने कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का बहाना मारा होगा कि पैसा बाहर कैसे गया। लेकिन कतरी, कतरी का क्या था, जब तलाशी ले गई सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किधर से पैसा आया अरबों रुपए के फ्लैट लेने में, कहता कतरी ने दिया। पैसा बाहर कैसे गया, कतरी ने दिया। बच्चे अरबोंपति बन गए, किधर से पैसा आया, कतरी ने दिया। अरबों रुपए के कर्जे देने थे लंदन में, किसने कर्जे दिए, कतरी ने दिए। नवाज शरीफ तुम क्यों अपनी कौम को इतनी हकारत से देखते हो, क्या तुम समझते हो सारी कौम बेवकूफ है तुम्हारी तरह। नौजवानों, मेरी बहनों, क्योंकि आपने भी घरों के अंदर देखे, हमारी खवातीन का उतना ही बड़ा रोल है जितना हमारे नौजवानों का है इस मुल्क में तब्दीली लाने का। अब ये सुने, ये जरा सुने, ये तहरीक इंसाफ इमरान खान नहीं कह रहा,
ये अमेरिका के अंदर सर्वे हुई, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट ने सर्वे की, आप बाशऊर लोग हैं जरा गौर से सुने, उस सर्वे में क्या चीज सामने आई, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि पाकिस्तान में हर साल 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि चोरी किया पैसे को मुल्क से बाहर भेजा जाए। एक तो चोरी होती है, करप्शन, एक करप्शन के पैसे को मुल्क से बाहर भेजते हैं, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब 1000 अरब रुपया मुल्क से हर साल चोरी करके बाहर जाता है। जरा सब सुनो, गौर से सुनो, 1000 अरब रुपया जब इस मुल्क का हर साल चोरी होकर बाहर जाता है, आपको अंदाजा है कि कितना बड़ा आप पे जुल्म हो रहा है। नौजवानों गौर से सुनो, ये नारे बाद में मारना, गौर से सुनो आपसे हो क्या रहा है। मेरा काम है आप में शऊर पैदा करना, ताकि आप अपने पैसे की खुद हिफाजत करें। ये आपका पैसा है, 1000 अरब रुपया पाकिस्तान से जब चोरी होकर बाहर जाता है, जानते हैं उससे क्या आपको नुकसान होता है? सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि डॉलर की कमी हो जाती है। जब डॉलर की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, हम IMF से कर्जे लेते हैं, हम बाहर से बैंकों से कर्जे लेते हैं। आप मुझे यह बताएं, आप में से कईयों ने, आपके वालदैन ने कर्जे लिए होंगे, आपके वालिद ने कर्जे लिए होंगे कि पैसे की कमी हो गई। याद रखना, जब आप किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। एक गैरतमंद आदमी जब हाथ फैलाता है इंसान के सामने, यह आसान काम नहीं है, क्योंकि वो अपनी इज्जत खो बैठता है। पहली दफा तो कोई तरस खा के आपको पैसे दे देगा, अब दूसरी दफा मांगने जाएं, वो आपको और नजर से देखेगा। तीसरी दफा पैसे मांगने जाएं, आपकी इज्जत चली जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान जब हर साल भिखारियों की तरह भीख मांगता है और कर्जे लेता है, इस कौम को गुलाम बनाता है, इस कौम की गैरत खत्म करता है, हमारी कौम की इज्जत खो बैठते हैं। पाकिस्तानी तो बाहर जाते हैं, मेहनत कश पाकिस्तानी, उन बेचारों से जो होता है, कई जेलों में पड़े हुए पाकिस्तानी, वो मेहनत कश पाकिस्तानी जो 20 अरब डॉलर हलाल की कमाई का बाहर से पाकिस्तान भेजते हैं, उनसे जो बाहर बर्ताव होता है, हरे पासपोर्ट को जिस नजर से बाहर देखा जाता है, मैं जानता हूं। मैं तो वो पाकिस्तानी हूं जिसको दुनिया जानती है। अगर मुझे अमेरिका में एक दफा 6 घंटे एयरपोर्ट में बिठा रहे और एक दफा 4 घंटा मुझे अगर बिठाए, तो सोचे बाकी पाकिस्तानियों से क्या होता है बाहर। यह हमारे लिए शर्म की बात है। चोरी कोई करे, कर्जे कोई ले, कीमत कौम अदा करे, जिल्लत कौम को मिले। इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि 1000 अरब रुपया साल का चोरी होकर मुल्क से बाहर जाता है, कौन ले बताए, कौन लेके जाता है? बेचारा किसान लेके जाता है, मजदूर लेके जाता है, आम मेहनत के साथ भी लेके जाता है, बिजनेसमैन लेके जाता है। ये वो लोग लेके जाते हैं जो पहले इक्तदार में आते हैं, कौमी खजाना इनके हाथ में होता है, और उधर उस कौमी खजाना यानी आपके पैसे के ऊपर डाका मारते हैं। पैसा आपका जो चोरी होकर बाहर जाता है, कर्जे आप पे चढ़ाते हैं। जब आप पे कर्जे चढ़ते हैं, कैसे कर्जों की किस्तें वापस की जाती हैं, आपके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, चीजें महंगी की जाती हैं, पेट्रोल के ऊपर
पेट्रोल के ऊपर 40% टैक्स लगता है, हर एक रुपया, हर एक रुपया, हर 100 रुपया मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, हर 100 रुपया जो आप ये पेट्रोल खरीदने में खर्च करते हैं 40 रुपया टैक्स पे जाता है। और अब वो मजीद कह रहे हैं और टैक्स लगाओ। वो IMF कह रही है 40 अरब रुपए के इस कौम पे मजीद और टैक्स लगाओ। एक लीटर फजल रहमान लेने के लिए आपको 50% टैक्स पे, 50% टैक्स लगाना पड़ता है एक लीटर फजल रहमान डालने में अपनी टैंकी में। अच्छा सुने, एक मिनट, मैं आगे बात करता हूं। फजल रहमान में स्टेटमेंट सुन रहा था, फजल रहमान ने कहा, मैं मौलाना नहीं कह रहा, मैं मौलानों की तौहीन समझता हूं कि फजल रहमान को मौलाना कहूं। तो फजल रहमान कहता कि मुझे यहूदियों ने कहा था कि इमरान खान को वोट डालो, ये 2013 इलेक्शन में कहता मुझे यहूदियों ने कहा था, मुझे पैसे दे, यहूदियों ने कहा कि हम तुम्हें मौलाना फजल रहमान पैसे देंगे अगर इमरान खान के लिए वोट डालो, और मैंने नहीं डाला, यानी इमरान के साथ मैं नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान, यहूदियों को गलत फहमी हो गई थी, उन्होंने तुम्हें पैसे नहीं ऑफर करने चाहिए थे, तुम्हें डीजल के परमिट ऑफर करने चाहिए थे। अच्छा तो सुने आप, ये जो आपके ऊपर टैक्सों की बारिश होती है, महंगाई होती है, इसकी वजह यह है कि आप कर्जों की किस्तें अदा कर रहे हैं उस चोरी के लिए जो ये ऊपर नवाज शरीफ जैसे लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि नवाज शरीफ के ये जो अभी पैनमा में जो अरबों रुपए के इसके फ्लैट में फिर के महलात आए थे सामने, ये कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ये JIT में चीजें सामने आएंगी, ये तो अभी कुछ नहीं है जो इसने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गया है और अपने बच्चों के नाम पे। नवाज शरीफ की एक फैसला अगर वो चला सको, कभी कभी सच भी बोल देता है, एक दफा उसने सच बोला, उसने कहा कि जब आप करप्शन करते हैं तो अपने नाम पे कुछ नहीं रखते। नवाज शरीफ, आपने अपने नाम पे कुछ नहीं रखा, अपने बच्चों के नाम पे सब कुछ डाला है। 2 मिनट में लगाऊंगा, 2 मिनट, ये बात मैं आपको भी सुनाता हूं मैं। अच्छा तो अब सुने, अब मुझे ये बताएं, जो 1000 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, नहीं पहले सुन ले, अभी दो नवाज गो होता है, 1000 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग हर साल की है, अब मुझे ये बताएं, ये कौन रोकेगा? क्या ये इसहाक डार रोकेगा? इसहाक डार ने मजिस्ट्रेट के सामने लिख के दिया है कि मैं नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, लिख के दिया है। और उसके साथ कौन उसकी मदद करता था मनी लॉन्ड्रिंग में नवाज शरीफ के पैसे की, मतलब कि यहां से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाता था, और कौन था? एक नाम है सईद अहमद, जिसके मनी लॉन्ड्रिंग नवाज शरीफ की करने के लिए तोहफा मिला है, वो नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट बना हुआ है। क्या वो रोकेगा? क्या नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकेगा? ये वो लोग रोकेंगे जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, जिन्होंने बाहर से पैसा कमा के पाकिस्तान लेके आए हैं। मैं आज फखर से कहता हूं, 18 साल बाहर कमाई की, आज मेरा 1 रुपया पाकिस्तान से बाहर नहीं, सारा पैसा पाकिस्तान है और मेरे नाम पे है, छुपाया हुआ नहीं है। तो एटाबाद के लोगों, मैं आज आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह जिस तरह का सियासी शऊर हमारे मुल्क में आ गया है, जिस तरह हमारे घरों में
हमारी ख्वातीन है एक एक इशू समझ बैठी है, जिस तरह स्कूल के बच्चे समझ बैठे हैं, जिस तरह कश्मीर की बेटियां स्कूलों में पढ़ते हुए आजादी डिमांड कर रही है, उस तरह पाकिस्तान के बच्चे बूढ़े नौजवान सारे आज एक चीज चाह रहे हैं, वो समझ बैठे हैं कि करप्शन का मतलब अवाम का पैसा चोरी होना। पहले लोग समझते थे जी करप्शन हुई तो गवर्नमेंट का पैसा चोरी हो रहा है, लोगों को यह समझ नहीं थी कि जिस मुल्क में करप्शन होती है उसकी कौम गरीब हो जाती है। नवाज शरीफ ने अभी स्टेटमेंट दी, ये जरा सुने गौर से सुने क्या स्टेटमेंट दी, अगर फैसला हो सके तो वो भी चला दे रहा। उसने कहा सुन लो उसने क्या कहा। मैंने जब सुना तो मैं दो दफा तीन दफा रिपीट करना पड़ा कि मैंने समझा मेरे कानों ने सही तरह नहीं सुना। कहता कि या देखे मैं इतने इतने बड़े करप्शन के केसेस हैं, अगर मैं करप्शन के इतने ज्यादा करप्शन है कि अगर मैं करप्शन के पीछे जाऊंगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। सुने इसका मतलब ये कि जो बड़े बड़े डाकू हैं उनको मैं अगर पकड़ूंगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। इसका मतलब कि जेलों में सिर्फ छोटे छोटे चोर जाएंगे। इसका मतलब ये कि पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दे रहा है कि अगर चोरी करनी है तो बड़ा डाका मारना, छोटी चोरी ना करना, जेल में चले जाओगे, बड़ा डाका मारोगे कोई नहीं पकड़ सकेगा तुम्हें। यानी एक मुल्क का सरबरा एक प्राइम मिनिस्टर ऐसी शर्मनाक बात करे कि हम करप्शन कैसे रोके, डेवलपमेंट रुक जाएगी। नवाज शरीफ खुदा के वास्ते क्यों लोगों को पागल बना रहे हो? तुम करप्शन इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि तुम करप्शन के बादशाह हो, तुम करप्शन के गॉडफादर हो, तुम इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू हो। तुम करप्शन कैसे रोकोगे? तुम करप्शन के सरदार हो, तुम्हारे इर्द गिर्द बड़े बड़े मुल्क का माफिया, करप्शन का माफिया, उसको तुम तहफ्फुज देते हो, तुम कैसे रोकोगे? करप्शन इंशाल्लाह हम आपको काबू पाकर दिखाएंगे, क्योंकि हम छोटे चोरों को पन्नी हाथ डालेंगे, हम बड़े बड़े मगरमच्छों को, बड़े बड़े तुम्हारी तरह के डाकुओं को पहले पकड़ेंगे। खुद ही करप्शन नीचे, चोर खुद ही डर जाएंगे, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि करप्शन या नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने एहसासे अपने नाम पर रखते हैं। शुक्रिया नवाज शरीफ, कभी कभी आप भी सच बोल देते हैं, शुक्रिया सच बोलने का। इसलिए सब कुछ अपनी बच्चों के नाम पे रखा हुआ है। एक बेटा, ये जरा सुने नौजवान, ये सुने बातें, पता नहीं कब आप आगे से मुलाकात होगी। हसन शरीफ नवाज शरीफ का साहिबजादा लंदन में एक घर में रहता है जिसका एड्रेस है 1 हाइट पार्क। अंदाजा लगाएं कितना महंगा होगा घर वो, अंदाजा लगाए ना, 650 करोड़ रुपए का घर है, 6.5 अरब। अब मुझे यह बताएं कि हसन शरीफ आपके पास ये पैसा किधर से आ गया? कोई बिजनेस बताएं आपने कौन सी की? क्या आपने पीतल से सोना बनाने का राज सीख लिया? मैंने 14 साल बर्तानिया में क्रिकेट खेली। मैं अपने जमाने का जब मैंने फ्लैट लिया टॉप ऑलराउंडर था, दुनिया का टॉप ऑलराउंडर था। मैंने तो मर मर के 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट। तुमने कौन सा जादू किया कि अभी स्कूल में पढ़ते थे और निकलते साथ ही 650 करोड़ रुपए के घर में रहना शुरू किया?
ये हसन शरीफ का पैसा नहीं था, ये नवाज शरीफ ने चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भिजवाया। और फिर हमें मरियम बीबी के ऊपर तो बड़ा तरस आता है, उन्होंने कहा मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बाहर क्या, मेरे तो यहां भी कुछ नहीं है, मैं तो वालिद साहब के साथ रहती हूं। मरियम बीबी हम सब पे आप बड़ा तरस आता है आप पे। अच्छा मां मरियम की बात आई तो मैं जरा डॉन लीक्स की भी बात कर लूं। डॉन लीक्स का सिर्फ ये समझने की बात है कि उमूमन एक हुकूमत अपनी फौज की बका, अपनी फौज की रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करती है, यानी उसकी हिफाजत करती है, क्योंकि मुल्क फौज एक मुल्क का हिस्सा है। यहां डॉन लीक्स में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक ऐसी खबर निकलती है जो नरेंद्र मोदी की जबान बिल्कुल वही फौज के मुतालिक, पाकिस्तान की फौज के मुतालिक कहती है, जो खबर निकलती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। अब प्राइम मिनिस्टर का जो मीडिया सेल, जो मीडिया का सेक्रेटरी होता है, जो मिनिस्टर, उसको फारग कर देते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि मीडिया सेल का हेड मरियम नवाज थी। 7 महीने लग जाते हैं, आराम से बेटा, आराम से। 7 महीने के बाद हमें यह पता चलता है कि जनाब जो रिपोर्ट आती है, जो आईएसपी यानी पाकिस्तानी फौज, उससे खुश नहीं है। चले जो भी उसके बाद हुआ, अगर पाकिस्तानी फौज पीछे हट गई और पाकिस्तानी फौज को जो उसकी रेपुटेशन को नुकसान हुआ वो सारी कौम के सामने था, लेकिन मुझे अभी तक एक चीज की नहीं समझ आई कि नूर लीग के लोगों ने खुशियां क्यों बनाई। यानी आपकी फौज है, आप खुशियां मना रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा मार्का मारा है। देखे पाकिस्तानियों, मैं सबसे बात कर रहा हूं कि ये मुल्क, इस मुल्क का खतरा बाहर से नहीं है, इस मुल्क को खतरा अंदर से है। नवाज शरीफ जैसे लोगों को जो पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाते और लोगों को, करप्ट लोगों की, उनकी हिफाजत करते हैं, उनको बचाते हैं करप्शन से, और जो अपनी फौज को बदनाम करने के लिए तैयार हैं सिर्फ एक वजह से कि उनकी कुर्सी बच जाए, उनका पैसा बच जाए। नौजवानों आपको समझ आ रही है जी? मैं आखिर में आबाद के लोगों आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आप सबको आज सबको ये पैगाम देके जा रहा हूं कि दुनिया इधर उधर हो जाए, मेरा पैगाम नवाज शरीफ को है कि इमरान खान छोड़ेगा नहीं जब तक तुम्हें जेल में नहीं पहुंचाता।